हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो फर्स्ट लेट अंडरस्टैंड द टर्म व्हाट इज न्यूट्रिशन। एज वी ऑल नो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइज इट्स टू ग्रो, स्टे हेल्दी, रिपेयर एनी डैमेज बॉडी पार्ट, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब यहीं से एक टर्म आती है न्यूट्रिएंट्स। सो एज वी ऑल नो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एक ऐसे कॉम्पोनेंट जो हमारे फूड में मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल एट्सेट्रा, एंड दीज कॉम्पोनेंट्स आर नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। एज वी ऑल नो प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड वाइल animals and human beings depends on other because they do not produce their own food. Basically, we directly or indirectly depends on plants and animals for their food. So, if we talk about mode of nutritions, so all organisms do not obtain their food in the same way. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग मेथड्स होते हैं फूड्स को ऑब्टेन करने के लिए। सो डिपेंडिंग ऑन द मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एज द नेम इंडिकेट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशंस, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, कि इट इज़ अ प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। सो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल बेसिकली कह सकते हैं कि ऐसा केमिकल कंपाउंड दैट डू नॉट कंटेन कार्बन, या फिर ग्रुप ऑफ केमिकल्स दैट डू नॉट कंटेन कार्बन, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया एंड हाइड्रोजन। सो बेसिकली जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, किससे, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोप्लास्ट। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सो ग्रीन प्लांट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल विच इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग एंड फिक्सिंग सोलर एनर्जी। सो ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। और नॉन ग्रीन प्लांट्स आर नॉट ऑटोट्रॉपिक, सर्टेन बैक्टीरिया ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड, कि कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इज कन्वर्टेड इंटू कार्बोहाइड्रेट्स किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल्स की प्रेजेंस में। तो बेसिकली इट्स अकर इन ऑटोट्रॉप्स लाइक ग्रीन प्लांट्स। सो दीज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। और कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। वो हमारे दो तरह के होते हैं, दैट इज फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। वो हम अपनी आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस एंड सेकेंड इज कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। या फिर कह सकते हैं कि कीमो सिंथेटिक न्यूट्रिशन। एज अ नेम इंडिकेट फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फर्स्टली लेट अंडरस्टैंड फोटो मीन्स लाइट। सो सनलाइट क्या है, बेसिकली असेंशियल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। सो फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म किसका यूज़ करते हैं, सनलाइट का यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ।
बेसिकली जो ये जो न्यूट्रिशंस होता है, फोटोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है बेसिकली ये ड्यूरिंग डे टाइम में होता है। और एग्जांपल की बात करें तो अगर हम फोटोऑटोट्रॉपिक के एग्जांपल की बात करें तो ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप। सो अगर हम देखें रिएक्शन 6CO2 प्लस 6H2O किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। इट विल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट दैट इज C6H12O6 प्लस 6O2। सो बेसिकली सनलाइट इज एन असेंशियल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल। सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस अकर ड्यूरिंग द डे एंड ग्रीन प्लांट्स एंड साइन। नेक्स्ट इज कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशंस। बेसिकली कीमो का मतलब होता है दैट इज केमिकल। दैट इज केमिकल। सो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ऑन देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स। सो कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म्स क्या करते हैं, कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड दस टर्न नॉन लिविंग सब्सटेंस इनटू लिविंग। ऑटोट्रॉफ्स में क्या कर रहे थे, ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ लाइट, लेकिन कीमो में किसकी हेल्प से करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स। सो इट कंटिन्यू थ्रू आउट द डे एंड नाइट, ये चलता रहता है प्रोसेस। और जो हमारा फोटो ऑटोट्रॉफिक का प्रोसेस है वो ओनली डे टाइम पे होता है। सो एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ दिस नॉन ग्रीन बैक्टीरिया दैट इज नाइट्रोसोमोनास विच इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन साइकिल एंड सल्फर बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अभी तक हमने डिस्कस करा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, उसके टाइप डिस्कस करे थे, अब हम डिस्कस करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो एज वी ऑल नो हेट्रो मीन्स अदर, हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। सो बेसिकली हेट्रोट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर। एज वी ऑल नो एवरी ऑर्गेनिज्म इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग फूड ऑन इट्स ऑन, कि हर एक ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं होता कि सारे ही ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरों पर डिपेंड्स होते हैं फॉर देयर फूड। तो उन सच ऑर्गेनिज्म्स डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशंस, तो अपने न्यूट्रिशंस के लिए वो कहीं ना कहीं किसी और पर डिपेंड्स होते हैं, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, वो किसी अदर सोर्स पर डिपेंड होते हैं या फिर किसी अदर ऑर्गेनिज्म्स पर डिपेंड होते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को कहते हैं दैट इज नोन एज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो बेसिकली द वर्ड हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशंस। सो हेट्रोट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशंस ऑब्टेन फ्रॉम अदर। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बेसिकली किसकी बात हो रही है, नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर ऑन फूड्स, दे डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिक सोर्स फॉर फूड्स, ठीक है, दे ऑब्टेन फूड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड प्लांट्स हैंस आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। एग्जाम्पल की बात करें तो फंगाई एंड ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स आर हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स कैन बी ऑफ मैनी वेराइटीज, वो डिपेंड करता है हमारे एनवायरमेंट और एडेप्टेशंस पे। सो कुछ जो होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को ईट्स करते हैं जिन्हें हम कहते हैं हर्बीवोर्स, कुछ ऐसे होते हैं जो ईट्स करते हैं एनिमल दैट इज नोन एज कार्निवोर्स, और जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ईट्स करते हैं दैट इज नोन एज ऑमनिवोरस। सो वी कैन से सर्वाइवल्स ऑफ हेट्रोट्रॉप्स डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स, कि जो हेट्रोट्रॉप्स का सर्वाइवल है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है, प्लांट पर डिपेंड्स करता है। सो ऑल एनिमल्स एंड इंक्लूडिंग मैन, क्योंकि क्या है, ओमनिवोरस है, ओमनिवोरस क्या करते हैं, जो दोनों को खा रहे हैं प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, तो जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग मैंस ये सब क्या हैं, हेट्रोट्रॉप्स हैं। नॉन ग्रीन प्लांट लाइक ईस्ट आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉप्स, कुछ बैक्टीरिया कुछ फंगाई भी क्या हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। सो हेट्रोट्रॉप्स डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप्स एंड अदर हेट्रोट्रॉप्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। सो बेसिकली जो हेट्रोट्रॉप्स बेसिकली किस पर डिपेंड्स हैं, डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। सो अ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कैन ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म बाय डिफरेंट वेज। सो द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इज ऑफ थ्री टाइप्स, उसे हमने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइज में डिफ्रेंशिएट कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। सो फर्स्ट इज पैरासाइट्स,
सेकेंड इज सैप्रोफाइट्स एंड थर्ड इज होलोजॉइक न्यूट्रिशन. सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. अभी पहले वाली स्लाइड्स में ही हमने डिस्कस करे थे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी और पर डिपेंड होते हैं, दैट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सो हमने उसके टाइप्स भी डिस्कस किए थे, जैसे फर्स्ट वन इज होलोजॉइक न्यूट्रिशन, सेकेंड इज सैप्रोफिटिक, थर्ड वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. तो अगर हम बात करें होलोजॉइक न्यूट्रिशन की, तो बेसिकली होलोजॉइक न्यूट्रिशन कह सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें जिंदा रहने के लिए क्या होता है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है. भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको फूड की रिक्वायरमेंट है. अब फूड जो हम इनटेक करते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, मींस कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं. तो बेसिकली होलोजॉइक न्यूट्रिशंस कह सकते हैं कि इनटेक ऑफ ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन फॉलो बाय डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन एंड फाइनली इजेशन. बेसिकली जो होलोजॉइक न्यूट्रिशन है वो किस में देखा जाता है, मैमल्स में देखा जाता है, जैसे ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, फ्रॉग, फिश, कैट्स, होर्स एटसेट्रा. तो जो हमारा होलोजॉइक न्यूट्रिशन है कह सकते हैं कि बेसिकली क्या है, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज टेकन इन सॉलिड और लिक्विड फूड फ्रॉम द आउटसाइड एंड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी. होलोजॉइक न्यूट्रिशन हमारा फर्दर थ्री टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन इज हर्बीवोरस, सेकेंड इज कार्निवोरस एंड थर्ड वन इज ओमनीवोरस. एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है हमारा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. बेसिकली सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकिंग मैटर, जिन्हें हम कहते हैं दैट इज नोन एज सैप्रोफाइट्स, दैट इज नोन एज सैप्रोफाइट्स. एंड द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, बिकॉज जो सैप्रो का मतलब होता है दैट इज रोटन या फिर डेड एंड डिकिंग. सो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है कि ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकिंग मैटर, दैट इज नोन एज सैप्रोफाइट्स एंड द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. लास्ट आता है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन. बेसिकली पैरासिटिक न्यूट्रिशन कह सकते हैं कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल की बात हो रही है, लीव्स इन और द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर विच इट्स ऑब्टेन इट्स सिंथेसाइज न्यूट्रिशन, जिसे हम कहते हैं पैरासाइट, एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर फर्दर वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टोपर्स टारगेट से. थैंक यू.